हाय गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट डे इन गोवा और आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ गोवा को पूरी तरीके से। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं गोवा आया हूँ तो हर एक पल को ना अच्छे से इंजॉय करना चाहता हूँ। ऐसे सोना वोना बिल्कुल भी अवॉइड करूँगा, जो कि मैं घर पर करता हूँ, सोता रहता हूँ, तो ये मैं बिल्कुल अवॉइड करूँगा। यहाँ पर आया हूँ तो एकदम अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। तो जैसे ही हम गोवा आते हैं तो हमारा पहला जो काम होता है वो है होटल बुकिंग का। तो अगर आप चीप एंड बेस्ट होटल बुकिंग करना चाहते हो, मतलब अपने बजट के हिसाब से बेस्ट होटल खोजना चाहते हो, तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो है बेगो या फिर booking.com। आप ये दोनों मैं अभी दे रहा हूँ स्क्रीन पे, ये दोनों ऐप्स हैं, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ये दोनों ना बेस्ट से बेस्ट डील आपको प्रोवाइड कराते हैं। मैं भी खुद इसी को यूज़ करता हूँ। और जो मेरे पीछे जो आप ये प्रॉपर्टी देख रहे हो, मैं इसे 300 अ नाइट बुक किया हूँ। सो गाइज, होटल बुकिंग हमने कर ली और जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वो है बाइक रेंटल का, क्योंकि आप बिना बाइक रेंटल का गोवा अच्छे से एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। आप बस या कैब पे डिपेंड रहोगे तो आपके काफ़ी टाइम और पैसे दोनों खर्च होंगे। तो इससे बेस्ट है ना, आप एक ऐसे अगर आप ऑफ सीज़न में आते हो तो आपको 300 पर नाइट के हिसाब से मिल जाएंगे, मतलब आपको 24 घंटे के लिए। दिन में अगर आप 10 बजे बुकिंग करते हो तो अगले 10 बजे तक आपको स्कूटी मिलेगा, वो आप कोई भी ले सकते हो। मैंने फैसिनो का वो बुकिंग किया है तो मैं आपको बता दूंगा कैसे बुकिंग करना है नहीं करना है। बाकी यहाँ की लोकेशन चेक करो आप एक बारी। और हाँ, एक ज़रूरी बात और है जो आपको बतानी है, यहाँ की जो भी आप बाइक रेंटल करते हो तो ऐसे ना सस्ते पे मत जाओ, क्योंकि वो पुरानी बाइक्स दे देंगे, उसमें टायर भी है ना ऐसे यूज होते हैं, तो वो पंक्चर पंक्चर का सीन होता है। आप नहीं चाहोगे कि आप घूमने आए हो तो ऐसे पंक्चर ठीक कराता फिरो। तो इससे लिए ना एक हैक है, आप कहीं भी स्कूटी रेंट करने जाओ, भले आपका 50-100 रुपये एक्स्ट्रा लगे, तो आप ना ऐसे प्रीफर करो कि आपको नई, मतलब ऐसे नई गाड़ी मिल जाए। आप देख सकते हो कई सारी गाड़ियाँ होती है वहाँ से, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जिसकी कंडीशन आपको एकदम टिप टॉप लग रही है, वो वाली आप ले लो और उनसे बात कर लो। ऑफ सीजन में आते हो तो आपको 400 रुपये पर डे के हिसाब से एक अच्छी बाइक मिल जाएगी, जो कि मैंने लिया है और ये मैं आपको उसकी लिस्ट दिखाता हूँ। सो गाइस, फाइनली मैंने 2 दिन के लिए अपना बाइक ले लिया है और ये रही हमारी बाइक। देखो क्वालिटी, कंडीशन देखो। एक्चुअली मुझे रेड या येलो में चाहिए था, पर वो है नहीं, अवेलेबल है नहीं, और इसकी क्वालिटी भी अच्छी लग रही थी तो सोचा यही वाली ले लूं। और बाकी इसका नंबर ये है, येलो नंबर प्लेट है, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ट्रैफिक पुलिस से। बाकी चलते हैं। तो हाँ, आप सस्ते पे बिल्कुल मत जाओ, ऐसे सस्ते पे लोगे ना तो ऐसे बाइक बीच में ख़राब हो सकती है और ऐसे पंक्चर हो जाएगी, तो आपका जो ट्रिप है वो एकदम वाट लग जाएगी उसकी। इसलिए आप ट्राई करो जब भी, मतलब ऐसे बुकिंग करने के लिए ना, तो ट्राई करो एकदम नई टिप टॉप बाइक ही लो। और अब हमने बाइक रेंट भी कर लिया है तो अब बारी है एक्सप्लोर करने की। तो गोवा इज़ नॉट ओनली अबाउट बीचेस एंड पार्टीज़, गोवा में बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो। बस बाइक उठाओ, पेट्रोल डलाओ। मैं भूल गया, सबसे पहले ना वो जब भी बाइक आप रेंट करोगे तो उसमें 1 लीटर या 1/2 लीटर वो ना आपको ऐसे प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप पेट्रोल पंप तक जा सको। वैसे पेट्रोल का तो कोई इशू है ही नहीं यहाँ पे, आप पेट्रोल का इशू कुछ भी नहीं है। ऐसे राह चलते ना ऐसे दुकान पे ऐसे मिल जाएगा 120 रुपये के, 110 रुपये के, वो अपने हिसाब से। और अगर आप पेट्रोल पंप से बनाते हो तो, अगर आप पेट्रोल पंप से जाते हो पेट्रोल देने, तो वहाँ का जो चार्जेस है वो 104 रुपये 5 रुपये ऐसे करके अभी का सीन है। तो ठीक है, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और वैसे पेट्रोल वगैरह का कोई इशू नहीं है, घूमने आए तो 110 रुपये 20 रुपये अगर एक्स्ट्रा लगते हैं तो क्या ही दिक्कत है। अगर आप पेट्रोल पंप जाना चाहो तो जा सकते हो, वैसे आपकी है चॉइस, अभी आपकी है। और गाइस, हेलमेट वगैरह लग के सब कुछ तैयार हो गया हूँ मैं, यहाँ पे इसीलिए रुका हूँ ना, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये स्कूटी भाई, इसकी क्वालिटी दिखाना है मुझे, कितनी स्मूथ है ना, ये एक नंबर चल रही है, इसकी स्मूथनेस एक नंबर है। और यहाँ का ये एम्बियंस है ना, जो नज़ारे हैं भाई साहब, देखो तो सही, मज़ा सा आ जाएगा भाई, क्या नज़ारा है यार। और स्कूटी इतनी स्मूथ चल रही है, इसका ब्रेक वगैरह सब कुछ ना, मज़ा सा आ गया। वैसे तो कुछ भी प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, एक तो न्यू है भाई। देखो स्कूटी में दिखाता हूँ। और हाँ, उन लोगों ने थोड़ी सी एक या हाफ या 1 लीटर उन्होंने पेट्रोल दिया है, देखो ई पे है अभी, रेड रेड पे,
तो पेट्रोल पंप तक आया हूँ, अभी पेट्रोल भराता हूँ। और बाकी गाइस चेक करो स्कूटी की कंडीशन, चेक करो। 400 वर्थ इट है गाइस, बढ़िया है। और ये देखो नज़ारा देखो गाइस गोवा की, ये देखो। ऐसे मैं किसी अच्छे जगह पे नहीं हूँ, कहीं आप सोच रहे हो कि कोई बढ़िया सा जगह है ना उसे दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैं रैंडम जगह पे किसी जगह पे ऐसे रुक गया हूँ, और यहाँ की ग्रीनरी देख के ना मज़ा सा आ गया। चलो अभी मैं पेट्रोल भराता हूँ, ज़्यादा बकवास नहीं करता हूँ, सीधा आपको रशियन बीच दिखाता हूँ, ठीक है? लेट्स गो। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगा? QR कोड है? बस 200 का काफ़ी है। तो अब जबकि हमने पेट्रोल वगैरह सब कुछ ऐसे फुल कर रखा है टैंक को, तो अब बारी आती है हमारी एक्सप्लोर की। तो एक्सप्लोर आप यू करो कि ऐसे सिर्फ बीचेस मत जाओ, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप देख सकते हो। आप सिंपली क्या करो, ऐसे रोड पे निकल जाओ बाइक लेके, और जहाँ भी आपके आपको अच्छी वाइब मिले, अच्छी लोकेशन मिले, वहाँ पे रुको थोड़ी देर के लिए, फ़ोटो वगैरह खिंचाओ। मैंने भी काफ़ी खिंचा रखी है, तो आप वहाँ से, मेरे इंस्टाग्राम है उस पर मैंने काफ़ी सारी पोस्ट डाल रखी है गोवा की, तो आप वहाँ भी देख सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है यहाँ पे, आप इसे चेक कर सकते हो। और बाकी यहाँ का सीन तो कुछ ऐसा है कि आप कहीं भी जाओ तो आपको मज़ा ही आने वाला है। और मैं पहले ही दिन ना पूरा बीचेस को ऐसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ जितना हो सके, जितना ज़्यादा, मतलब एक एक मिनट का भी टाइम ना ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहता, ऐसे कहीं बैठ के या फिर सो के, कुछ भी है तो घूमना ही है, घूमने के लिए आए हैं तो पूरा एक्सप्लोर ही करेंगे। तो चलो मैं आपको कुछ सीन दिखाता हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये हमारी गोवा की फर्स्ट ब्लॉग थी, अभी गोवा की सीरीज आने वाली है, गोवा के नाइट लाइफ, बियर के प्राइसेस, बाइक रेंटल और अच्छे से, और अभी गोवा के सारी बीचेस बाकी है, रशियन बीचेस बाकी है, वो सारी ब्लॉग अभी आने ही वाली है। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए और वीडियो आप ईजिली देख पाओ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। Oh,